हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपका रिलीज किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, एनटीपीसी का मतलब क्या है आपका? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, और यह वैकेंसी आपको कहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारीरिजल्ट.com पर। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर सरकारीरिजल्ट.com। ठीक है, गवर्नमेंट का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसी पर आपका आया हुआ है सरकारीरिजल्ट.com पे। और यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही दिख रहा होगा एनटीपीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसी में आपका पोस्ट आया हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 50 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि एज लिमिट क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन आपका, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रखा गया है, फीस आपके कितने होने वाले हैं, और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको ये आपका वैकेंसी दिख रहा है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जूम कर दिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एनटीपीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आपका वैकेंसी किस लिए आया देख सकते हैं, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसी के द्वारा आपका एग्जीक्यूटिव बायोमास के लिए आपका फॉर्म आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 50 देखने को मिलेगा, और पोस्ट अपडेट देख सकते हैं 19 अक्टूबर, यानी कि आज ही के दिन आपका ये पोस्ट अपडेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अब आता है आपका कि आपका फीस वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि फीस इसका कितना लगने वाला है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो फीस के लिए आप इसको जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके फीस लगने वाले हैं 300 रुपए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए लगेंगे। ठीक है, और वहीं अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी या फिर पीएच है तो फिर 0 रुपीज, कोई भी पैसे आपके नहीं लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया तो देख सकते हैं 14 अक्टूबर से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट देख सकते हैं कि मीन्स 28 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका फीस लग रहा है वो भी आपका लास्ट डेट देखा गया है कि 28 तारीख को ही आपको जमा कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट को भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 28 साल मांगा गया है, 18 साल सॉरी। ठीक है, देख सकते हैं 18 ईयर आपका मिनिमम एज देखने को मिलेगा, और वहीं अगर बात की जाए मैक्सिमम तो मैक्सिमम एज देख सकते हैं 27 ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 18 ईयर से लेके 27 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए पोस्ट नेम की, मीन्स इसका पोस्ट का क्या नाम है, तो देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास। ठीक है, पोस्ट नेम आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास है, टोटल पोस्ट आपका 50 है। एलिजिबिलिटी का बात की जाए तो देख सकते हैं क्या आपका बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी एग्रीकल्चर साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कि मीन्स आपका बैचलर डिग्री यानी कि आपने क्या कर लिया है, बीएससी कर लिया है। ठीक है, बीएससी कर लिया होगी किसमें, एग्रीकल्चर में, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर डिग्री बीएससी आपने कर लिया है एग्रीकल्चर साइंस में तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कह रहा है आपका कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट आया हुआ है, तो देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हमने बताया वो भी बायोमास में, जनरल के लिए आपका 22 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 7, और एसटी के लिए आपका 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट आपका 50 देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसी को आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक ही है। ठीक है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।